अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड, आपका किचन, मेरा रेसिपी। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता का फेमस स्ट्रीट फूड स्टाइल एग रोल। इसे बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर एक नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और यहाँ पे मैंने एक कप मैदा लिया है। आप यहाँ पे गेहूँ के आटे से भी इसे बना सकते हैं, और आप इसे हाफ़ कप मैदा और हाफ कप गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक पिंच के जितना नमक डाला है, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक नरम डो तैयार करेंगे। आप इस एग रोल को बचे हुए रोटी से भी बना सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर एक नरम सख्त आटा हम तैयार करेंगे। मेरे चैनल पे चिकन रोल भी है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा तेल लगा के इसको ऐसे चिकना कर लिया है, और इसे हम ढककर 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि आटा जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस एग रोल को बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 30 मिनट्स का टाइम लगा है। और ये देखिए, यहाँ पर 15 मिनट हो गया है। मैं एक बार डो को अच्छी तरह से गूंथ लूँगी और इसका छोटा छोटा बॉल कट कर लूँगी। जैसे हम रोटी के लिए लोइया काट करते हैं, उसी तरह हम लोइया काटेंगे। ये देखिए, ये साइज़ का मैंने लोइया काटा है। इसे हम हाथ की मदद से ऐसे गोल कर लेंगे, ताकि रोल करने के समय ये इवेंटली रोल हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट किया है, और इसे हम एकदम पतला रोल करेंगे। ये देखिए, मैंने सूखा मैदा डाल के इसे पतला रोल कर लिया है। इसे जितना हो सके आप पतला रोल करें, रोटी जो है ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, इससे जो एग रोल है वो अच्छे से फोल्ड होगा, नहीं तो मोटा रखने से अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाएगा। ये देखिए, इसी तरह मैंने अच्छी तरह से रोल किया है। यहाँ पे एक कप मैदा से 3 एग रोल बना है। ये देखिए, इसे मैंने रोल किया है, इसे अब हम सेकेंगे। और यहाँ पर मैंने एक तवा गर्म कर लिया है। तवे के ऊपर मैंने रोटी को डाल दिया है, और इसे दोनों तरफ से का सेक लेंगे। हमें अभी पूरी तरह नहीं सेकना है, सिर्फ थोड़ा सा सेकना है, ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन स्पॉट आने तक। इसे मैंने सेक लिया है, और यहाँ पे मैंने एक बोल में एक अंडा तोड़ लिया है। एक एक रोल में अब मैंने एक अंडा डाला है, आप दो अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसे अब हम एक दूसरी कढ़ाई में ऐसे डाल देंगे। मैंने यहाँ पर तेल नहीं डाला है, तेल डालने से अंडे को जो है अच्छी तरह से नहीं फैला पाएंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद यहाँ पे मैंने तेल डाला है, और इसके ऊपर अब हम रोटी रख देंगे। अंडे को थोड़ा पकने के बाद ही रोटी रख दें, नहीं तो अंडा जो है रोटी के साथ अच्छे से चिपकेगा नहीं। और इसे हम एक साइड से 2 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे, और रोटी को पलट देंगे। और इसे यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है, और इसे अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए, इसे तब तक सेकना है जब तक इसका कच्चापन जो था वो चला जाए। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से सेक लिया है। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने बाकी 2 रोटियों को भी बना लिया है। ये देखिए, मैंने सारे रोल को ऐसे ही बना लिया है। अब इसके ऊपर अब हम टोमेटो केचप डालेंगे। आप इसे और भी दूसरी वैरायटी में बना सकते हैं, पर अभी मैं एकदम कोलकाता स्टाइल बना रही हूँ, इसीलिए एकदम कोलकाता स्टाइल में ही दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा बीट रूट, थोड़ा सा प्याज ऐसे स्लाइस में काटा है, और तो एक हरी मिर्च डाला है, और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाला है, और ऊपर मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी। और इसे अब हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे। यहाँ पर आप ऊपर थोड़ा सा टोमेटो केचप और डालें। और यहाँ पे मैंने पेपर से इस तरह से रोल कर लिया है। आप इस एग रोल में चिकन भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप मेयोनीज भी डाल सकते हैं, आप पनीर मसाला भी डाल सकते हैं, इसी तरह आप कुछ भी स्टफिंग डाल सकते हैं। पर वो कोलकाता स्टाइल एग रोल तो नहीं होगा, पर उसे वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। पर आज मैंने कोलकाता स्टाइल ही एग रोल बनाया है। कोलकाता का जो एग रोल है वो इसी तरह बनते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों एग रोल को अच्छी तरह से बना लिया है। इसमें से 3 रोटी बना था, पर मैंने 2 बनाया है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। रेसिपी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पे बहुत सारे स्ट्रीट फूड स्टाइल
रेसिपी है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारी रेसिपी मिल जाएगा। और आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, मेरे वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।